हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं छोटे से अपनी बाइक के साथ। क्या ये बिना एक्सीलेटर दिए हमने रोड पर टेस्ट किया था पहले, अभी हम करेंगे कच्चे रास्ते में। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पर हम जोहड़ में आए हैं और तो इसको देखते हैं कि ये बिना एक्सीलेटर दिए क्लच के इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर अगर उठ पाती है तो हम इसको करते हैं ट्राई। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं एकदम प्लेन रस्ते पर आ चुका हूँ और ये मैंने डाला फर्स्ट गियर और शायद ये नहीं उठ पाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए मैं मतलब चप्पलों से अपने पैरों से कुछ भी भाई नहीं उठ पा रही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, पहली बार पता नहीं, मैं यहाँ रस्ते पर लाता हूँ एक बार। ये सबसे बड़ी इसकी कमी है कि भाई इसमें स्लिप हमें देखना मुझे, मैं यहाँ रस्ते पर करके देखता हूँ तो चीप चीप। तो भाई जैसा आप देख रहे हैं ये सड़क पर इसने अच्छा परफॉर्म किया था, पर कच्चे रस्ते में भाई इसने दम तोड़ दिया। मतलब हाफ क्लच में हम चलाते हैं इसको तो ये थोड़ी थोड़ी चलती है और जैसे हम पूरा क्लच छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाती है। शायद इसकी रेस भी कम है थोड़ी, उसके कारण ऐसा हो रहा है। स्ट्रोक रेस है, हम कंपनी की जो रेस आती है उसी में तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा, छेड़छाड़ कर दी तो फिर वो ओहो कंपनी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। अच्छा, एकदम वो रेस है जो कंपनी एजेंसी में। सही है सही है सही है, समझ गए समझ गए। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि ये एक नंबर में हाफ क्लच में चल रही थी पर पूरा क्लच दिया तो है कच्चे रस्ते पर ये नहीं चल पाई, तो इसमें भाई दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर करने का देखो कोई फायदा नहीं बनता है। फिर भी एक बार दिखा दो। दोस्तों अब एक चीज करके देखते हैं, यहाँ पर हम चार नंबर डाल के इसको उठा के देखते हैं कि कितने एक्सीलेटर में उठ पाती है, चल पाती है। हाँ हाँ, जो भी है भाई। अरे ये इसमें जो प्रॉब्लम है ना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर, मैंने चारों गियर इसमें डाल दिए हैं और अभी देखते हैं कितनी कम रेस में उठती है। काफी स्मूथली उठ रही है एकदम से। हाँ? एकदम से स्मूथली उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, अच्छी परफॉर्मेंस। ओहो, आप हाफ क्लच रखना चाहिए था, हाफ क्लच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इसने बाइक ने। बाइक के बारे में अब हम क्या बता सकते हैं आपको, और ये बाइक का अच्छा परफॉर्मेंस था और चार नंबर में भी ये इतनी स्मूथली। हाँ, एक बार लोगों को फिर से दिखा दीजिए, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये 100 cc बाइक और इतना अच्छा एवरेज दे रही है। और क्या बताएं, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है और मैं इसकी बुराइयां भी करूँगा। चार नंबर पूरे डालते हैं और अभी मैं देखता हूँ इस बार मैं रेस नहीं छोड़ने वाला। ओ बहुत अच्छा, वो निकल गए हमारे भाई साहब, बाइक ने थोड़ा भी महसूस नहीं होने दिया कि उसमें चार गियर डाल रखे हैं क्या। बस वो उठाने का एक तरीका होता है बाइक को, आप धीरे धीरे हाफ क्लच से पूरा छोड़ दो, एक साथ अगर आप क्लच छोड़ोगे तो ये शायद नहीं उठ पाएगी। ये देखो बाइक में ऐसे कोई कमी नहीं है। ओ ये देखो ब्रेक काफी अच्छे हैं इसके। आप इसमें शायद डिस ब्रेक लगवाने की बात चल रही है, मॉडिफाई करवाएंगे पहले। पहले आगे के टायर में हम इसमें डिस लगाए हैं, डिस में भी ABS लगवा देंगे शायद हम इसमें। पर सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे सलफ लगवा देंगे। अगर आपने वीडियो देखी थी ना कि रिच पीपल वो इस बाइक की वो भाई यहाँ पे हम कर देंगे, अगर आपने चाहा तो यहाँ पे सलफ लगवाएंगे, फिर हम इसमें डिजिटल घड़ी लगवाएंगे, सारा टच स्क्रीन भाई, टच स्क्रीन पूरी टच स्क्रीन लगा, और पीछे हम बैक कैमरा भी लगवा देंगे इसमें, शायद कई बार दिक्कत होती है ना पीछे, सेंसर भी लगवा देंगे हम। मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरी में एक बड़ी स्क्रीन हो जिसमें ये सारा सब कुछ बताए, पूरे RPM OPM सब बताए, थोड़ी अच्छी
बाइक लगेगी आगे का, हम इसमें लगाएंगे फोग लैंप लगवा देंगे और DRL लगवा देंगे। फोग लैंप हम यहाँ लगवा देंगे, DRL एकदम ऐसे लगवा देंगे इसके। DRL मतलब यहाँ से ऐसे या फिर यहाँ से, हाँ यहाँ से ऐसे लगवा देंगे काफी। वो देखेंगे जब शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या है भाई ऑप्शन। ये स्प्लेंडर नहीं है भाई, इसमें नहीं होता। अरे सब हो जाएंगे इसमें, देखना आप। अरे अगर लोग कहेंगे तो हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो इस बाइक को। सबसे पहले हम इसमें सेल्फ लोग, मतलब बाइक चला दी थी लकड़ी से। हाँ 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 हाँ, देखा था क्या वीडियो। ये हमारे विनीत भाई यूट्यूबर हैं, वैसे तो ये आदमी बड़े बहुत अच्छे हैं जी। आप पर भाई चीप पीपल से मैं काफी परेशान हूँ। चलो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसके नीचे कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो ऑन, ताकि हर वीडियो जो नया आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।